बैक टू अवर चैनल गाइस। तो पहले तो आप अब मुझे ये बता दो, आपको ये जो इंट्रो था आज की मेरी वीडियो का, वो कैसा लगा? क्योंकि इस टाइप के इंट्रोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मेहनत लगती है। आप इस इंट्रो को अब मेरी इस बात के बाद दोबारा एक बार से रीचेक करना। क्यों रीचेक करना? आपने देखे होंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल एक ही एक्सरसाइज के थे, तो ये आसान बात नहीं होती है इस चीज़ को शूट करना, क्योंकि प्रोडक्शन वाले नहीं है जो अपने पास चार पांच कैमराज हो जो अलग अलग एंगल पर रखे हो, फिर अपन उस सब की फाइल्स को मिला के एक साथ एडिट कर दो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ और शायद से इंडिया में अभी कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं कर सकता है। मेरे लिए सभी के पास एक या बहुत मैक्सिमम दो या तीन कैमरे होते हैं। बट जब बात आती है इस टाइप के एंगल्स को शूट करने की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने एक एंगल 3 सेकंड का एक जगह से लिया, फिर हम दोबारा आए, हमने उसी कैमरे को उठवा के किसी और एंगल में रखा, फिर उसी चीज़ को हमने दोबारा किया, फिर 2 सेकंड के लिए, क्योंकि 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा मिनटों में खींच नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद एक और एंगल, फिर उसके बाद एक और एंगल, ऐसे एंगल करते करते बहुत सारे एंगल लेने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे और आपको एक प्रोफेशनल फील देने के लिए। ब्लॉग्स के ये जो पार्ट्स है वो पसंद आया करें, मेरे नहीं, किसी भी क्रिएटर्स के। मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही पसंद करो, किसी भी क्रिएटर्स के। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप एक लाइक अपनी तरफ से कर सकते हो, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और हमारा बहुत कुछ हो ही जाएगा। तो बस यही आपसे कहना था। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम बैक तो मैंने कर ही दिया है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कैसे आप सब? मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा मैंने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया, आप लोगों को भी बताया था कि अप्लाई कैसे करते हैं। सो अब प्रॉब्लम ये है, वो बात आज से 2 या 3 दिन पहले की थी, तब से लेके अब तक मैंने हर टाइमिंग पर जो लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे टाइमिंग्स बताई थी, मैंने उन सब टाइमिंग्स पर चेक कर लिया है, पर कहीं भी एक स्लॉट तक नहीं मिल रहा है। एक स्लॉट में आप 3 से 4 बुकिंग कर सकते हो, जिसमें मैं अपनी फैमिली का कर सकता हूँ, बट एक भी स्लॉट नहीं मिल रहा है। मैंने मेरे नंबर से, फादर के से, सबके से सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट एक भी स्लॉट नहीं मिल रहा है। और मेन बात क्या है, चलो नहीं मिल रहा है, चलो तो अपन उम्मीद करते हैं कल। और फिर हो क्या रहा है, जब बात उसमें लिख के आती है कि आज सब फुल है, तो उसमें ये लिख के आता है कि हाँ कि कल के लिए कोई भी इतनी बुकिंग अभी नहीं की गई है, मतलब कल बुकिंग अवेलेबल्स है। बट कल से मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी कल रात की बात बता रहा हूँ, मैंने रात को 12 बजे फिर ट्राई किया था, सुबह 3 बजे किया था, फिर 6 बजे किया था, तो कोई भी ऐसी टाइमिंग नहीं है जिस आवर में मैं गया नहीं हूँ और वापस मुझे मिल गई हो। आज जो मेरे साथ होने वाला है, ये दिन मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मेरा प्रोटीन आने वाला है, ये हर महीने का वही चलता है कि मैं एक साथ में 3 या 4 किलो सीधा नहीं मंगवाता हूँ, मैं हर महीने परचेस करता हूँ, 1.5-2 किलो के आसपास आता है, उसको मैं परचेस करता हूँ। तो जिस दिन प्रोटीन आता है उस दिन रियल में ऐसी अलग से एक फीलिंग आती है, मतलब दिल गुस्सा हो जाता है। और इस बार मैंने एक नया फ्लेवर ट्राई कर रहा हूँ मैं, कैफेलेट। अभी तक मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अभी तक मैंने अनफ्लेवर्ड प्रोटीन ही लिया था। मेरे पास जो था, मेरे एक फ्रेंड के पास था, उसके पास फ्लेवर था, बट मेरे पास अनफ्लेवर्ड ही था। और उसका जो फ्लेवर था वो आपने शुरुआत में देखा होगा, इस ब्लॉग की शुरुआत में, वो मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मुझे कैफेलेट फ्लेवर चेक करना था। सो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी तरह ये गलती कर दी है, सिर्फ ये बात उन्हीं लोगों के लिए, अगर आपने ये सोचा हो कि कैफेलेट फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो और ये सबके ऊपर अलग अलग है, आप मेरी बात से एग्री ना करें। तो जिस दिन मैं प्रोटीन ऑर्डर कर रहा था, उस दिन मैं बुकिंग्स देखी थी, तो मुझे इस बार फ्लेवर्ड प्रोटीन लेना था। सो उसमें 2 ऑप्शन थे, कैफेलेट और चॉकलेट, तो सबसे ज़्यादा बुकिंग कैफेलेट की थी, तो मुझे लगा, फील आई, और कैफेलेट चॉकलेट नॉर्मल सा है, अपन सब ने टेस्ट किया है चॉकलेट्स के फ्लेवर, तो कैफेलेट मुझे लगा इस बार फर्स्ट बार जब मैं फ्लेवर मंगा रहा हूँ तो कैफेलेट के साथ जाता हूँ। बट जब आज मैंने अपने दोस्त का कैफेलेट फ्लेवर चेक किया, तब मुझे पता पड़ा कि मैंने अपनी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक कर दी है।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। म्यूजिक आज ही आने वाला है और मैं अपनी बात बताऊं, मैं इतना टेस्ट में बिलीव नहीं करता हूं। मतलब हाँ, मुझे आप दे दो, मैं कुछ भी खा लेता हूं, ऐसा वो नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से मैं डाइट पर चला हूं, इतनी अब मैंने अपनी सारी जो क्रेविंग्स थी उन्हें रोका है भूख की, तो अब मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कैफिलेट भी आ रहा है, ये भी एक दो बार में मैं इससे यूज टू हो जाऊँगा, बट इस बार मैंने खुद के लिए कुछ सोचा था कि अब मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा अनफ्लेवर्ड से फ्लेवर में बदलता हूँ, तो ये महीना तो मेरा कैफेलेट के साथ में बहुत बेकार जाएगा। इस समय इतना खतरनाक टाइम चल रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी सी बेहतर कर रहा है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ना तो अभी वेब सीरीज में अभी एस्पिरेंट्स आई थी, हो सकता है आपने वो देखी हो, नहीं देखी हो तो ज़रूर एक बार उसे ज़रूर देखना। एस्पिरेंट अच्छी वेब सीरीज थी, बात करते राधे की। अब जो राधे के साथ में हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक तो दो बात है, मैं कभी भी एक पहलू पर, मैं दोनों पहलू पर सोचता हूँ, इस साइड वाले और उस साइड वाले में। अब आप बताना, आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैंने देखा कि सलमान खान की इस फिल्म की रेटिंग बहुत ही बकवास थी, एज एक्सपेक्टेड मैंने, क्योंकि जब उसका ट्रेलर देखा था, मैं ट्रेलर से ही समझ गया था कि ये उतनी नहीं आने वाली है, और लोगों ने उस पर उसके ट्रेलर्स पर मीम्स भी बनाई। बट जब बात आती है ओपनिंग की, अब ओपनिंग डे पर उसने 125 करोड़ के आसपास, मैंने आज ही न्यूज़ में देखा था, बिजनेस किया है। फिर अपन बात करते हैं कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में क्यों दे रहा है। अरे भाई, जब अपन फिर उसे एक बार मन से बना लो, अपन देखे ही नहीं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे कंटेंट आए ही नहीं। बट जब अपन उन्हें ऐसी ओपनिंग्स देते हैं, हाई ओपनिंग्स देते हैं, अपन उसे ट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ बननी है ट्रोल करने के लिए उसे की आनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं इसमें अपनी भी गलती है। अभी करंट में क्या देख रहा हूँ, सो मेरे पास आज एक वेब सीरीज मैंने डाउनलोड की है जिसका नाम है हाई। अभी उसका मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है, उसकी रेटिंग अच्छी थी तो मुझे लगा देखना चाहिए, सो मैंने वो देखा। रियल में उसका जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें थोड़ा मज़ा आ रहा है, और जिन लोगों ने देख लिए मुझे बता देना, और नहीं देखिए तो आप देख सकते हो, अच्छा कंटेंट है उसका, तो मज़ा आ रहा है। अभी तो मैंने फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, अभी आज रात को कोशिश करूँगा कि ख़त्म करूँ। एक टाइम था जो था पिछला वाला लॉकडाउन, तब वेब सीरीज और वेब सीरीज वगैरह एक ही सेट में ख़त्म होती थी, और आप लोगों में कितने लोग ऐसे वेब सीरीज देखते हो, मैं कभी टुकड़ियों में नहीं देखता हूँ, मेरी हमेशा से आदत है, मैं देखूँगा तो अपना एक अलग से टाइम निकाल के देखता हूँ मैं, और उस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, सो सीधा स्ट्रेट देखता हूँ मैं, बिना किसी खेद और बिना किसी रुकावट के। सेट फॉर टुडे, आज का ब्लॉग स्वीट एंड सिंपल था, और आप बताइए आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सो मिलते हैं अब आपसे एक और अगले ब्लॉग में, होपफुली एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट।